This call is now being recorded. आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, लेकिन ये शब्द मैं बड़े संकोच के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये विषय कुछ इस तरह का है जिसमें स्वागत और अभिनंदन करते हुए मन में एक कसक, एक तकलीफ, एक पीड़ा अनुभव होती है। लेकिन फिर भी औपचारिक शब्दों को हम छोड़ नहीं सकते, अपनी मर्यादाओं को छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी कॉलेजेस और सभी विभागों के लोगों की ओर से, अध्यापकों की ओर से और जितने भी अन्य लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समय भी हमारा हो चुका हुआ है और अपने तदनुकूल हम अपनी बातचीत जो है उसको आरम्भ करते हैं। जैसा कि सीधा आप विषय देख ही पा रहे हैं कि आज जो विषय है वो डिकोडिंग हिंदू जेनोसाइड इन कश्मीर विद रेफरेंस टू द बुक एंड द वैली रिमेन साइलेंट। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार का निष्कूटन आज हम देखने जा रहे हैं और विशेष रूप से पुस्तक जो लिखी गई है एंड वैली रिमेन साइलेंट, उसके संदर्भ में इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसको जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, उनमें से कुछ तस्वीरें आप पहचानते ही हैं और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि ऐतिहासिक दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से, राजनीतिक की दृष्टि से आप सभी लोग इनके उन पक्षों से परिचित होंगे जिनके आधार पर कश्मीर में आज ये स्थितियां पैदा हुई हैं। और राजनीतिक जो दृष्टिकोण रहा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है, उसमें बहुत सारे जो है अपनी अपनी इच्छाएं, अपने अपने दृष्टिकोण और बहुत सारे जो हैं वो तत्व जो हैं उसमें मिले जुले रहे हैं, तो उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता अभी। लेकिन महाराज हरि सिंह, गांधी, नेहरू और अब्दुल्ला परिवार आदि आदि, इन सब ने मिलकर के जो इस देश का और कश्मीर का स्थिति एक उत्पन्न की है, जिसका परिणाम हम आज सभी लोग भुगत रहे हैं, और अभी ना जाने कितने इसके लिए हमें बलिदान करने पड़ेंगे और कितने हमें जो है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी इस देश को, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से जब मैं इस सारे विषय को देखता हूं, तो आप देखिए दो कोटेशंस मैंने लिखी हैं आपके सामने। एक तो नीचे जो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, महताम प्रज्ञा पर आधार प्रजा धर्म में प्रवृत्ति, कि बड़े लोगों के जो बुद्धि के अपराध होते हैं उससे प्रजा की जो है अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। बड़े लोगों का बुद्धि अपराध, यही चीज है जिसकी वजह से मैंने ये लिखा है। और संस्कृत में ये बात बड़े ही सटीक और हमेशा संक्षिप्त रूप में कही जाती है और सारगर्भित रूप में कही जाती है। और आप सभी देख ही रहे हैं कि जो हमारे बड़े लोग रहे हैं, उन बड़े लोगों की बुद्धि के अपराध के कारण क्या क्या हमें देखना पड़ा है और कैसे कैसे प्रजा के धर्मों में जो अधर्म में प्रवृत्ति हुई है वो उसके परिणाम हमने देखे हैं। और दूसरी तरफ हम इस उलझन में पड़ जाते हैं कि महाजनो येन गता सपन्था, कि बड़े लोग जिस मार्ग पे गए हैं उस पे हम चलें, लेकिन ये बात आज हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि जो बड़े लोग जिस मार्ग पे गए हैं उस पे उसका अनुसरण करना, उस पे चलना हमारे लिए, मुझे लगता है, संभव नहीं है। हमें पुनर्विचार करना होगा, पुनः सोचना होगा और अपने लिए नए मार्ग का निर्धारण करना होगा। तो इन दो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ये हमने आज हम निश्चित करने जा रहे हैं कि हमारा मार्ग क्या हो, हमारी दिशा क्या हो, तो विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले आप लोगों को कुछ एक बातें बताना चाहूंगा और उसमें मुख्य वक्ता का स्वागत और परिचय कराने से पूर्व दो तीन बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, हाउ कश्मीरी हिंदूज वर बिट्रेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू द कश्मीर फाइल्स, ये हमने 9 अप्रैल 2022 में एक वेबिनार किया था जिसपे काफी चर्चा रही थी।
मैं केवल आपको विषय बताना चाहता हूं कि ये कोई आज की बात नहीं है कि आज हम प्रभावित होकर के ये काम करने लगे हैं। उससे पूर्व जम्मू एंड कश्मीर ब्रेकिंग द सबवर्सिव वेब एंड अ वे फॉरवर्ड 29 जून 2020 को हमने किया था एक वेबिनार, और डॉक्टर महेश कौल ने ये पुस्तक थी जिसपे हमने चर्चा की थी। उससे पहले जो है हमने हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पार्ट वन किया था, लेकिन पार्ट टू जो है उसको हम परस्यू नहीं कर पाए 2020 को, और उसमें भी कई सारे विषय और कई सारी समस्याएं हमने टेकअप की थी। निश्चित रूप से ये कश्मीरी हिंदूस क्या हैं और कैसे आप इनको पहचानते हैं, कैसे इनको परिभाषित करते हैं और क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, तो अगर आप देखें तो कश्मीरी हिंदूस आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्लोरियस हेरिटेज एंड लीगेसी ऑफ कश्मीर, सिंबल्स ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस। देशवीर जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ करिएगा, इस तरह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे क्योंकि ध्यान उधर होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है हम लोगों के लिए। और प्लीज और कोई भी जो है अपना शेयर ना करें अपनी स्क्रीन, क्योंकि वो फिर सारा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज आप लोगों से मेरा सादर निवेदन है कि ये जिसने भी स्क्रीन शेयर की है प्लीज आप स्क्रीन शेयर ना करें। मैं सारा नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप लोग तब तक स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं जो कुछ मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि सारा पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा और हमें मुख्य नीरज कश्यप ने स्क्रीन शेयर किया है और आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओहो, दोबारा मुझे करना पड़ेगा। जी होपफुली अब बिल्कुल बिल्कुल अब इसको स्लाइड शो में ले लीजिए आप। दैट्स इट। हां जी, तो कश्मीरी पंडित्स के बारे में बात कर रहा था कि जिस तरह से हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं, और इतिहास में और परंपरा में जिस तरह से हम उनको समझना चाहिए और जानना चाहिए, वो ये सारा का सारा मैंने स्क्रीन पे लिखा है। लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ग्लोरियस हेरिटेज और लीगेसी जो है, ब्रदरहुड और पीस के अगर कोई सिंबल्स हैं, कोई वाहक हैं, तो वो कश्मीरी पंडित रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब आते हैं कि जो विषय है, ऐसे जो विनम्र पंडित रहे हैं, जो हिंदू रहे हैं कश्मीर के, उनके प्रति हमने किस तरह के नैरेटिव डिजाइन किए, रिलीजियस नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव्स, हिस्टोरिकल नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का नैरेटिव, मीडिया ने किस तरह के नैरेटिव डिजाइन किए, सेकुलर नैरेटिव क्या रहे, ह्यूमन राइट्स का पर्सपेक्टिव, और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, मिलिट्री का, पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का, कितने सारे नैरेटिव्स हैं जिसके बीच में आज हम ये सारी चर्चा करने जा रहे हैं, और जिस पुस्तक के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सारे के सारे विषय आपको उसमें देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में बाद में करूंगा। इन सब बातों को देखते हुए पिछले कई वर्षों से मेरे मन में आता था कि मैं कश्मीरी हिंदू और हिंदुओं को कैसे समझूं, कैसे देखूं, कैसे उनका एक पर्सपेक्टिव बनाऊं, क्योंकि हम हिंदू और विशेष रूप से कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम्स, यू आर काफिर्स एंड काफिर्स नीड टू बी पनिश्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को कोई संकोच होता है, किसी के कोई सेकुलर क्रीडेंशियल्स को कोई चोट पहुंचती है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बात कहने में कभी कोई संकोच नहीं रहा। और पर्टिकुलरली जब मेरी अपनी 3 विजिट्स कश्मीर की रही हैं, तो मैं उस बात को ये बड़े बात स्पष्ट रूप से ये कहता हूं और जानता भी। नीचे आप और देखिए, फॉर पॉलिटिशियंस यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। मैंने अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज, एक थोड़ा सा बीजेपी को छोड़ दीजिए, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुओं को ब्लेम किया हर चीज के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो सोशली, चाहे वो किसी और तरीके से, इकोनॉमिकली, कुछ भी आप कह लीजिए, तो सभी चीजों के लिए हम ही ब्लेम किए जाने योग्य रहे। और एक एस्पेक्ट और ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर आइदर सेकुलर और कम्युनल। या तो आप सेकुलर हो सकते हैं और अपने को गाली दे सकते हैं, अपने अतीत को बता सकते हैं, निंदा कर सकते हैं कि आप लोगों ने
जो है वो जाति फैला दी आपने, पाखंड फैला दिए, ये कर दिया वो कर दिया ये सारा। और अगर आप कहीं पे स्टैंड लेते हैं तो आप कम्युनल हो जाते हैं, ये हम सबकी स्थिति है। तो सारे भारत में हिंदुओं को ये देखने के तीन नजरिए हैं, जिसके बीच में हमें आज अपना स्टैंड लेना है, अपने को समझना है और अपना जो है आगे का मार्ग, भविष्य का मार्ग हमें निश्चित करना है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से वी हैव बीन पनिश्ड बाय द टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट, जिहादिस्ट, और वो ठीक भी था क्योंकि हमें इस तरह का, हमें पिछले 75-100 सालों में इसी तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। तो हमें कभी स्ट्रेंगुलेशन की गई स्टील वायर्स के साथ, कभी टांग दिया गया, कभी इम्पालिंग, ब्रांडिंग विद पॉट रायंदन्स, ये सारे सदा के तरीके हैं जो कश्मीर में और अन्य जगहों पर भी अप्लाई होते रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन उनको कभी ना तो मीडिया में उस तरह से प्रोमिनेंस मिली है, ना उसको कभी इस तरह से उठाया गया है। ये हम सभी जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, और अगर आप में से किसी को ये पावर पॉइंट चाहिए होगी तो मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि समय थोड़ा सा है। इसलिए इस तरह के हिंदू जो रहे हैं उनके सामने तीन ही विकल्प थे, रालिब, चालिब और गालिब, कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या फिर अल्टीमेटली तो था ही कि मारे जाओ। तो मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली और बाकी किसी और तरीके से हमारे पास, हम हिंदुओं के पास क्या हमारे पास रह गया होगा ऑप्शन। तो आज का ये जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं आरंभ, उसमें ऑब्वियसली जो हमने संस्कृत और हिस्ट्री विभाग की ओर से जो एक चर्चा का आरंभ करना था, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में आप लोगों से हमने बात कर ली है। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर राहुल मैगजीन, प्रोफेसर ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रिसर्चर एंड राइटर, मणिपाल कर्नाटका में हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं सभी कॉलेजेस की ओर से, सभी समितियों की ओर से, जो भी हमारे साथ यूनिवर्सिटीज और जो महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके मुख्य वक्तव्य के बाद लगभग 40-45 मिनट का उनका वक्तव्य रहेगा, उसके बाद वी विल हैव ओपन हाउस डिस्कशन, सम कमेंट, सम क्वेश्चंस, और अगर किसी की कोई डिसएग्रीमेंट हो वो भी हम आदरपूर्वक उसे स्वीकार करेंगे। और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स जो है प्रोफेसर ललित कुमार आंगेरस, जो कि कन्वीनर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से, हिस्ट्री कॉलेज से, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं मुख्य वक्ता का परिचय आपसे बहुत संक्षेप में कराना चाहता हूँ। राहुल मैगजीन वॉज बॉर्न इन ए हाईली एजुकेटेड कश्मीरी फैमिली लिविंग इन करण नागर लोकेलिटी ऑफ श्रीनगर कश्मीर। He did his schooling from Srinagar's reputed Catholic Burnhall School. And like others, in 1990, his family had to leave behind their ancestral home and move to Jammu due to the atmosphere of terror that had engulfed the valley. After getting trained in modern medicine and completing two post-graduations, he joined one of the most renowned private medical colleges in India. At present, he is working as professor of respiratory medicine and has published many research papers in national and international journals. He has devised technical maneuvers such as Maxine's ear splitting maneuver and Maxine's head rotation maneuver. ये बिल्कुल medicine की terminology में है, medical sciences की। मुझे लगता है मैं शायद उसको नहीं ठीक से समझ सकता, लेकिन निश्चित रूप से वो एक बड़ी उपलब्धियां रही हैं। एंड ही हैज आल्सो पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन फिलॉसफी, रिलीजन एंड हिस्ट्री इन द वेरियस एक्लेम्ड मैगजीन्स। तो डॉक्टर साहब लाइफ गिवर होने के साथ साथ थॉट गिवर भी हैं, जो उनके थॉट्स, जो उनके एक्सपीरियंसेस, जो उनके अनुभव, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो हम देखते हैं उनकी पुस्तक में जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, एंड द वैली रिमेन्ड साइलेंट, ए सागा ऑफ फोर सेकंड एबोरिजिनल्स। आप लोग इस किताब को जरूर देखें, पढ़ें, और इसकी कई सारी विशेषताएं आपको देखने में मिलेंगी। भाषा की सरलता, अंग्रेजी में है ये पुस्तक, लेकिन भाषा की सरलता, भाव की प्रगाढ़ता और वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल सटीकता, और कहीं पर भी अतिशयोक्ति नहीं है,
ये इस किताब की विशेषताएं हैं। और मुझे लगता है कि वो वाकई डॉक्टर साहब जो हैं आदर के योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ये पुस्तक, अपनी ये सारी मेहनत डेडिकेट की है अपनी कम्युनिटी विच इज इन एक्साइल राइट नाउ, और उन्होंने जो शुरू में अपना ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त किया है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है, अपने पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा के अधिकारी हैं कि उनमें ये विनम्रता है एक डॉक्टर होने के साथ साथ। इस पूरी पुस्तक में जिसके ऊपर डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे और उस दृष्टि से आप लोगों के साथ अगले 40-45 मिनट बात करेंगे, उसमें 15 चैप्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग प्रीफेस, प्रोलॉग, एपिलॉग और एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस, और ग्लॉसरी भी उसमें दी हुई है, और बड़ी अच्छी ग्लॉसरी उन्होंने इकट्ठी की है बड़ी मेहनत से। तो इन सब के बीच में जिस तरह के उन्होंने जाकर के लोगों से बात की, उनके घटनाओं को, कहानियों को सुना, उनके अनुभवों को सुना, फिर उसको पेन डाउन किया और उसको एक बुक की फॉर्म में लेकर आए, तो मुझे लगता है ऐतिहासिक दृष्टि से ये बड़ा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और ये लिखित में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो दूसरे हाईजैक करेंगे हिस्ट्री को, जैसे कि आज से पहले करते रहे हैं और किया भी है। हमें अपने ही देश में जो है वो थर्ड डिग्री का जो है वो सिटीजन बना के रख दिया, क्यों? क्योंकि हमने अपने इतिहास पे गौर नहीं किया, और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लॉबीज जो है उन्होंने वो इस तरह का इतिहास लिखकर हमारे अगेंस्ट ही हमें खड़ा कर। तो इस तरह की बातें सामने आनी बहुत जरूरी है ताकि हम चुनौती दे सकें, हम प्रश्न पूछ सकें जो इस तरह के नैरेटिव्स को, इस तरह के डिस्कोर्सेस को डिजाइन करते हैं भारत में और विदेशों में हमारे ही अगेंस्ट, तो उनको हम चुनौती दे सकें, और हमें यथार्थ का भी पता हो। कोई ऐसा नहीं कि केवल हम इमोशनल होकर के बातें कर दें, बौद्धिकता के साथ, भावनात्मकता के साथ, अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उस मर्यादा के अनुसार मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राहुल कॉल मैगजीन जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ साझा करें, और उनके वक्तव्य के बाद हम जो है खुली चर्चा लेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन है डॉक्टर साहब, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आशुतोष, मैं एकेडमिक कर्म टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने आज आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। स्लाइड शेयर हो रहा है? अभी नहीं हुई। हाँ हो गई जी जी। हाँ इसको आप प्रेजेंटेशन पे ले आए। अभी आ गया होगा प्रेजेंटेशन में? हाँ जी आ गया। तो आज का टॉपिक बोर्डिंग, इसकी शुरुआत इस सर, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, मुझे लगता है कि आप या तो मोबाइल से आप माइक ऑन कर लीजिए, इसका माइक ऑफ कर दीजिए अपने लैपटॉप का, इससे आप स्क्रीन चलाते रहें। नहीं, कट रही है आवाज, कट रही है। कोई नहीं, आप मोबाइल जो है उससे आप अपना माइक ऑन कर लें, इसका माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं सर, मैडम मीनाक्षी, इन द मीन टाइम आप जो है वो सर्टिफिकेट लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में।
प्रेजेंटेशन ठीक है आपकी, वॉइस की डॉक्टर साहब थोड़ी दिक्कत है। सर अभी साउंड बेटर है? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो आई एम यूजिंग मोबाइल नेटवर्क टू जी सर, सॉरी फॉर। नहीं नहीं नहीं, ये मायावी शक्ति है, ये काबू में रखनी बड़ी मुश्किल है। टेक्ने शब्द का मतलब ही मायावी शक्ति है, टेक्नोलॉजी है, हाँ उसका सही अनुवाद यही है। चलिए, तो ये जो लाइन है अहिंसा परमो धर्म, तो मैंने 3 साल पहले इसकी अगली जो लाइन है उसको पढ़ा, तो इस मतलब मैं आज 50 साल का हूँ और आप इमेजिन कीजिए कि 47 इयर्स तक मुझे सिर्फ यही लाइन पता थी। तो फिर मैंने सोचा आप मुझे 3 साल से अब ये इसका अगली लाइन पता है, मुझे पता है यहाँ पे संस्कृत के स्कॉलर हैं, सबको पता होगी कि इसकी अगली लाइन क्या है, लेकिन कई स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, मैं नहीं जानता कि उनमें से कितनों को पता है। खैर, मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में और अपने फ्रेंड्स जो पढ़े लिखे हैं, मोस्टली डॉक्टर्स हैं, नॉन डॉक्टर्स भी हैं, जब उनसे पूछा कि अगली लाइन आपको पता है, तो किसी को नहीं पता है। तो मैंने ये लाइन क्यों रखी और अगली लाइन क्या है, या पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगली, तो अहिंसा परमो धर्म, हमें बताया गया कि नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट धर्म, मगर ये लाइन हमसे आज़ादी के बाद से छुपाई गई, धर्म हिंसा तथैव च। तो धर्म की रक्षा में हिंसा भी जायज है, उचित है। तो मैं ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि दिस इज द पावर ऑफ नैरेटिव, दिस इज हाउ इफ समबडी वॉन्ट्स टू सेट अ नैरेटिव, वो सिलेक्टिवली आपको कोट करके आपको नपुंसक इम्पोर्टेंट बना सकता है, आपकी विचारधारा मैं मतलब फिजिकली नहीं मेंटली आपको नपुंसक बना सकता है। और जब ये जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, इमेजिन कीजिए मैं 50 साल तक के इसकी अगली लाइन जानता नहीं, जबकि मैं अपने आप को पढ़ा लिखा समझता हूँ और अपने मेडिसिन के अलावा और भी पुस्तकें पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इस 5 डेकेड्स तक इसकी अगली लाइन नहीं पता थी। और मैं जानता हूँ कि आजकल ये जो यंगस्टर्स हैं मोस्टली उनको नहीं पता होगी, हालांकि सोशल मीडिया की वजह से इसका ये फैल रहा है, लोगों को पता लग रहा है। तो ये है पावर ऑफ नैरेटिव, और इसको कैप्चर किया गया पिछले 70 साल तक कैप्चर के रखा गया। सो कमिंग टू द टॉपिक, इज देयर इको इन माय वॉइस? सॉरी, जी डॉक्टर राहुल, स्पीकर ऑफ कर दीजिए। हाँ अब ठीक होगा। अभी वॉइस ठीक है सर? हाँ अब ठीक है। आई थिंक आई हैव टू स्विच बिटवीन टू नेटवर्क, सॉरी फॉर दैट अगेन। ओके, सो जेनोसाइड के जब हम बात करते हैं, व्हाट इज जेनोसाइड, जेनोसाइड है क्या? जेनोसाइड है आप एक एथनिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, जैसे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीरी हिंदुओं को आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनके पीछे पड़ के आप उनकी डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज और ऐसे काम करते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, बेसिकली फिजिकली डिस्ट्रॉय, उनको मारना, उनके कल्चर को ख़त्म करना। कल्चरल जेनोसाइड एक और टर्म है जहाँ पे आप, जैसे जो कि कश्मीर में भी हो रहा है, हमारा खाली उस समय जेनोसाइड नहीं हुआ, इनफैक्ट अभी रिसेंटली और हिंदुओं को कश्मीर में मारा गया, आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो ये जेनोसाइड अभी चल ही रहा है, और जो मेजर जेनोसाइड 89-90 में हुआ, उसके बाद कल्चरल जीनोसाइड तो चल ही रहा है, वहाँ जितने भी हिंदू सिंबल्स हैं, सनातन के सिंबल्स हैं, टेंपल्स हैं, या तो उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है,
या उनको विलफुली डिस्ट्रॉय, देयर फोटो आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे कैसे मंदिरों को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है और कैसे हिंदू प्रॉपर्टी को टारगेट किया जा रहा है और कैसे उनकी प्रॉपर्टी को हथियाया गया है। तो अगली जनरेशन की मेमोरी से भी सनातन और उसकी सारी यादें मिटाई जा रही हैं। तो वो एक कल्चरल जिनोसाइड जो है वो अभी भी चल रहा है, 700 साल से चल रहा था, लेकिन जब हम 89-90 में मेजॉरिटी हम लोग वहाँ से कश्मीरी हिंदू वहाँ से निकले, उसके बाद से अभी कल्चरल जिनोसाइड चल रहा है। और क्यों किया गया? अगर आप जेनोसाइड की हिस्ट्री देखें, ज्यूज की देखें या वियतनाम आगे अलग कंबोडिया में देखें, तो हेट्रेड फॉर द अदर कम्युनिटी वो तो कोर है इसका कि आप अगली कम्युनिटी को हेट करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा विचार है इसमें एक और डायमेंशन भी है, जो जब जेनोसाइड होता है उस समय ओपनली नहीं बोला जाता, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है। आप जिनको निकाल रहे हो, आप जिनको मार रहे हो, उनकी संपत्ति किसके हाथ लगेगी? वो आपके हाथ लगेगी। तो इसमें एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, चाहे जो इसमें सम्मिलित है मारने में या ना मारने में, जो चुप भी बैठा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें बहुत ही मतलब एक विकृत मानसिकता इसमें चलती है। और कैसे जेनोसाइड होता है उसका मैं अगले कुछ स्लाइडों में बताऊंगा, जिसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि जेनोसाइड की स्टेजेस क्या हैं, किन किन स्टेजेस में जेनोसाइड होता है उसका मैं अगले कुछ स्लाइडों में आपको बताऊंगा। तो जो कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड है, जो नरसंहार है, जैसे कि आशुतोष जी ने बताया, पिछले 7 सेंचुरी से चल रहा है। जिस दिन पॉलिटिकल पावर सुल्तानों के हाथ में गया, उस दिन से आज तक वो जेनोसाइड बरकरार है। अब क्योंकि आबादी कम है तो इक्का दुक्का हिंदुओं को मारा जा रहा है वैली में, लेकिन अभी भी कल्चरल जेनोसाइड चल रहा है। और इमेजिन कीजिए सेंटर में कौन सी सरकार है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर सकती अगर डेमोग्राफी आपके विरुद्ध है। और ये एक 7 दशकों से, 7 सेंचुरी से ये जो जेनोसाइड है, ये एक वन पॉइंट एजेंडा रहा। बीच में कुछ ऐसा समय आया जब हिंदू कुछ लौट के भी आए कुछ देर के लिए, और कुछ रूलर्स ऐसे रहे जिनके अंडर हिंदुओं को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाय एंड लार्ज एक ये परसिस्टेंट कंटिन्यूड ऑनस्लॉट था सनातन कल्चर पे, जो कि सारे भारत में हुआ। मतलब हम उसमें यूनिक नहीं है, कश्मीर उसमें यूनिक नहीं है, वो असॉल्ट तब से चल रहा। हमारे नेबर जो है वो एक जो हमारा एनिमी है वो एक कंट्री नहीं है, वो एक देश नहीं है, वो एक विचारधारा है, जो विचारधारा आपको सम्मूल विनाश चाहती है आपका। तो कश्मीर में उसमें एक पार्ट है। और कश्मीर में फाइनली जो उनका वन पॉइंट एजेंडा था, जो बीच में रुका, बीच में चला, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो चलता रहा एक फॉर्म में, कभी एक छुपे हुए रूप में, कभी एक बहुत ही ओवर्ट रूप में। ओवर्ट रूप में तो एकदम मारकाट और मारना और वो, और कोवर्ट रूप में ये था कि आप नौकरियां ना दो, इकोनॉमिकली उनको ऐसा कर दो कि उनको वैसे भी निकलना पड़े। तो 1990 में फाइनली उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव 7 सेंचुरीज में पूरा कर लिया। और दुख की बात यह है कि ये उस समय दिल्ली में कोई औरंगजेब या कोई मुगल सुल्तान साम्राज्य नहीं था। उस समय दिल्ली में हमारे एक सेक्युलर सरकार थी, और उसकी नाक के नीचे उसके देखते देखते ये जो कश्मीरी अबोरिजिनल हैं, जो कश्मीर के मूल वासी हैं, उनको अपने 5000 साल की जो इतिहास को छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। तो क्या है स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड?
जेनोसाइड कहीं भी हो तो उसमें 10 स्टेजेस हैं, और ये शुरू होता है कि आप विक्टिम को क्लासिफाई करें, उसका उसका एक उसको एक एक कैटेगरी बनाएं कि वो और हम, दे एंड अस, हम सब अलग हैं। और फाइनल स्टेज जो 10वीं स्टेज है वो अभी भी चल रही है, वो है डिनायल ऑफ कल्पिटी। हमने तो ये किया ही नहीं, वो तो खुद निकल गए। तो ये अब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, ये आप विकिपीडिया से भी निकाल सकते हैं, आप अगर गूगल करके विकिपीडिया जाएं आपको ये 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड मिलेंगे, जो जिसमें क्लासिफिकेशन, सिंबलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डीह्यूमनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पोलराइजेशन, प्रिपरेशन, प्रोसिक्यूशन, एक्सटर्मिनेशन और डिनायल, ये 10 स्टेजेस हैं। मैं यहाँ पे जो स्लाइड है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सब आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए। ये एक यूके की वेबसाइट है, नीचे मैंने इसमें क्लियरली नहीं आया, लेकिन यू कैन गूगल एंड आपको कहीं पे भी ये 10 स्टेजेस मिल जाएंगे। तो कश्मीर के संदर्भ में हाउ दीज स्टेजेस प्लेड आउट, अब मैं आपको उसके जर्नी पे लूँगा। तो स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, पहला स्टेज क्लासिफिकेशन कि मुखबिर है, मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर है, तो ये कश्मीरी हिंदू जो है सब ट्रेटर्स हैं, ये हमारे खिलाफ हैं, ये मुखबिर है, ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो पहले ये आप अपनी सोसाइटी में ये जहर घोल दो, मुखबिर कहा गया, इन्फॉर्मर कहा गया, ट्रेटर कहा गया। अगर आप इनके लीडरों की किताबें पढ़ेंगे, बड़े बड़े लीडरों की किताबें पढ़ेंगे, तो मतलब वही था कि ये लोग तो ट्रेटर हैं, ये लोग तो इन्फॉर्मर हैं। फिर अगला स्टेज जो है जिनोसाइड का करीब दुनिया में, वो है सिंबलाइजेशन, मतलब इनको कोई सिंबल लगाओ इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे ज्यूज को स्टार और डेविड लगाने के लिए। तो जब 90 में टेररिज्म शुरू हो रहा था, तो टेररिस्ट की ओर से ये भी आदेश आया, हिंदू डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, आप मोबाइल को उसमें यूज करें अपने लेक्चर के लिए, उसमें थोड़ा वो आ रहा था सर। हाँ कोई नहीं, लैपटॉप से तो यही चलाते रहे, लेकिन वो क्योंकि फिर वो आवाज कटती है बीच में। अच्छा सर, मी टू मैं था उसका, आई विल जस्ट ट्राई टू डू दैट। नहीं है तो बस मोबाइल सामने रख लें। आपका माइक भी ऑफ हो गया। जी
सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आप इसका जो स्पीकर है वो बस ऑफ कर दीजिए, स्पीकर ऑफ कर दीजिए मोबाइल का। हाँ अब ठीक रहेगा। उधर से स्क्रीन शेयर करते, हाँ स्क्रीन शेयर करते रहिए। पीपीटी पे क्लिक कर लियो। हाँ जी सर आ गए। हाँ जी हाँ अब ठीक रहेगा। एंड माय वॉइस इज गुड? हाँ नाउ इट इज गुड, इट विल रिमेन गुड। ओके थैंक यू। तो सेकंड हमारा है सिंबलाइजेशन, कि आप उनको ऐसे सिंबल्स पहनने के लिए कहें जैसे जूस को स्टार ऑफ डेविड बोला लगाने के लिए, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो हिंदी लेडीज को ये कहा गया कि आप बिंदी लगाइए, और ये डॉक्यूमेंटेड है हमारे आई विटनेस अकाउंट्स में कि ऐसा हुआ। फिर थर्ड स्टेज है जिसमें, और ये स्टेज एक के बाद एक नहीं जरूरी है, ये सब स्टेजें पैरेलल भी चल सकती हैं, उसमें है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। जैसे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, हमारी इंडियन आर्मी थी, तो ये लोग हमारी वोटिंग राइट्स तो नहीं ले सके, जो कई जगहों पे डेनोसाइड में होता है कि आप उनके वोटिंग राइट्स ले जाए। लेकिन ये था कि कई बार हम जाएं वोट करने तो मेरे फैमिली के लोग कहते हैं कि उनके वोट ऑलरेडी डाले जा चुके। तो लेकिन उसके अलावा क्या किया गया है, जैसे कि अगर आप उस समय के 10th 11th 12th के रिजल्ट्स देखें, तो उसमें कश्मीरी हिंदू छात्र बहुत ही अच्छा कर, क्योंकि हमारा बचपन से ही हमारी फैमिलीज में एजुकेशन की ओर ध्यान रहता है, तो हमारे बच्चे और हम लोग अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट टॉप 20 में से 18 तो हमारी रैंक्स होती थी। लेकिन जब प्रोफेशनल कॉलेजेस के रिजल्ट आते थे, उसमें से मान लीजिए, मतलब मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, 100 में से 5-10 ऐसी सीटें मिलती थी, क्योंकि ये भी हमने सुनने में आया कि वहाँ के जो टॉप पॉलिटिकल लीडर थे वो जान के लिस्ट में से हमारे नाम निकालते थे, ताकि हमारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा ना हो। तो ये इस तक का डिस्क्रिमिनेशन था। फिर जॉब्स में, जॉब मिलना जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कंपेयर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत मुश्किल था। जे एंड के बैंक में कम मिलते थे, SBI में ज्यादा जॉब्स मिलती थी। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि SBI नेशनल लेवल का एग्जाम होता था, तो लोकल लेवल के एग्जाम में बहुत मैनिपुलेशन चलती थी, जिससे ओवर लास्ट 70 साल आज़ादी के बाद जमीनें ली गई हिंदुओं की, उनको धीरे धीरे जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया, ताकि वो वहाँ से धीरे धीरे निकल जाए। और ऐसे ही मेरे जितने भी मुझसे सीनियर कजिन थे, वो ऑलरेडी, उनको जॉब नहीं मिल रहे थे, वो ऑलरेडी बाहर निकल चुके थे। साइलेंट माइग्रेशन तो पहले ही चल रही थी। फिर प्रमोशनों में हमारे जो मतलब मेरे फादर के टाइम के लोग हैं, वो कहते उन्होंने जिनको पढ़ाया, जो उनके स्टूडेंट थे, वो उनके उनके अंडर ज्वाइन किया, उनके कुलीग बन गए और बाद में उनके हेड बन गए, और यहाँ हिंदुओं की प्रमोशन नहीं है। अब कोई कहेगा भाई एग्जाम्पल दे के, भाई नहीं ये तो बना था वो तो बना था, लेकिन वो एक एबरेशन थी कि जहाँ पे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा था, वो आपका कोई पर्सनल वो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी कि आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, या आपकी थोड़ी बहुत कुछ जो कुछ इनके साथ इन्फ्लुएंस थी, वट एवर। बट बाय एंड लार्ज एज अ कम्युनिटी वी वर टारगेटेड ऑन दैट मैटर। इंडिविजुअल्स के साथ क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, कम्युनिटी के साथ क्या हुआ वो मैटर करता है। फिर डीह्यूमनाइजेशन एक स्टेज है। डीह्यूमनाइजेशन में क्या होता है कि जो सोसाइटी, जो लोग अब जेनोसाइड करना चाहते हैं, वो उनको अपनी सोसाइटी को बोलना है कि ये जो लोग हैं ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान से कोई कम चीज़ है, ये जानवरों के लेवल के लोग हैं, तो हमें काफिर कहा गया, जो इंसानों से, जो जानवरों से बदतर है। तो जब ऐसे ऐसे नाम आपको दिए जाते हैं, तो आपको एक लेवल पे पहुंचाया जाता है कि ये तो इंसान है ही नहीं। आप अगर देखें महमूद गजनी और जितने भी ये अफगान या टर्कों ने, जिनने भी हमले के यहाँ से उठा उठा के उन्होंने स्लेव्स लिए, जिनको डमस्कस के और
अफगानिस्तान के बाजारों में बेचा गया, सारे हिंदुस्तान से, नॉर्दर्न इंडिया से खासकर, तो वो इन स्लेव्स को इंसान मानते ही नहीं थे, तभी उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था और फिर बेचा जाता था। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब जेनोसाइड करना है, आपको एक पूरी ग्रुप को खत्म करना है, उनको बिल्कुल समूल विनाश करना है, तो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना। तो जिहादियों को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका हमें पता है कि पाकिस्तान ने फंडिंग की, ट्रेनिंग की, और लोकल जो यंगस्टर्स थे वो वहाँ क्रॉस किया, क्रॉस बॉर्डर, और वहाँ से उनने फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फंडेड, वेल ट्रेन्ड थे। ट्रेनिंग का ये हाल था कि एक एग्जांपल है, आईबी इंस्पेक्टर मिस्टर बान, आई थिंक इट वाज एमएल बान, उनको जब मारने के लिए टेररिस्ट आया, तो वो वहाँ रास्ते पे चल रहे थे, तो टेररिस्ट के पास इंफॉर्मेशन थी, इतना पेनिट्रेशन था पुलिस में और ये कि उनको सब इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कहाँ से आ रहा है, और उसने इवन क्या उसने लाइफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है नहीं। वो उनके साथ खड़े हो गए, जो टेररिस्ट जो है वो उसके मिस्टर बान के साथ चलने लगा, और उनकी आर्म पिट में गोली मारी, क्योंकि उसको पता थी उसने उसने चेस्ट पे अपने बुलेट प्रूफ जैकेट लगाया हुआ, तो उनकी आर्म पिट में गोली मारी जो उनके सर से होते हुए निकल गई। तो सब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे मारना है, कैसे करना है, सब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था, वेल ट्रेन्ड। और हमारा ये हाल था कि हमें पता भी नहीं थी कि, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता भी नहीं थी कि क्या हो रहा है। कई किताबों में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, श्री जगमोहन साहब की जो बुक है बहुत ही विस्तार से इसमें मतलब दिया गया है। फिर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में आप प्रोपेगेंडा कीजिए, तो जिनको मारना है, जो लोग अब चाहते हैं कि वो जेनोसाइड करें, तो वो पहले प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या किया गया कि मॉस्क से, लाउड स्पीकर से, जैसे आपने आशुतोष जी ने अभी बोला, रलिव गलिव सलिव, या तो हमारे साथ मिल जाओ, इस्लाम कबूल करो, या भागो या मर जाओ। बटन हुन ब्योल खदायन गोल, कश्मीरी हिंदुओं का जो समूल निवास विनाश हो, वो अल्लाह उनका समूल विनाश करे, ऐसी ऐसी चीजें बताई गई। ऐसी कैसी बनुन पाकिस्तान बटा और उस्त बटने उसान, हमें यहां पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी हिंदुओं के आदमियों के बगैर, मगर उनकी औरतों के साथ। तो ऐसे ऐसे पोलराइजिंग और बहुत ही बुरे चीजें कही गई उस समय। न्यूज़पेपर्स को का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमें इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से वार्निंग्स दी जाती थी कि आप निकल जाओ, बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, कई किताबों में उनके कटिंग्स भी अवेलेबल है, जो भी अगर आप जेनोसाइड लिटरेचर पढ़ेंगे, कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड लिटरेचर है, उसमें आपको मिलेगा। हमारे घरों के ऊपर पोस्टर लगाए गए कि इंडियन डॉग्स गो अवे, तो ये सब चीजें एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, हर एंगल से एक डर का माहौल पैदा किया गया। प्रिपरेशन की गई इसके लिए, हिट लिस्ट बनाए गए, जिनमें जो कि मस्जिदों में बना रखे जाते थे और वहां पर डिस्कस होते थे, और फिर हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स आके हमें कहते थे कि भाई आपका नाम हिट लिस्ट में आया है। अब हमारे जो नेबर्स और हमारे जो दोस्त हैं सो कॉल्ड, अब उनका इंटेंशन सही था गलत था मैं नहीं कह सकता, लेकिन इफेक्ट तो हुआ ये कि हमारी कम्युनिटी डर डर के, इन चीजों से डर के, क्योंकि उससे पहले मारे भी जा रहे थे लोग, तो जब आपको बताया जा रहा है कि आपका नाम हिट लिस्ट में है, तो वो आदमी क्या करेगा, वो तो अपनी फैमिली के साथ निकल जाएगा। फिर प्रोसिक्यूशन की स्टेज आती है, जहां पे वायलेंस, वायलेंट मीन्स लाइक रेप्स इस्तेमाल किए गए, और कश्मीरी हिंदुओं के पास कोई चारा नहीं रहा, सरकार बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस में पूरे टेररिस्ट सिंपथाइजर्स, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स, ऐसे ऐसे जुलूस, किसी दिन डॉक्टरों का जुलूस निकल रहा है, किसी दिन ऑटो रिक्शा वालों का जुलूस निकल रहा है, जो आज़ादी आज़ादी मांग रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी हम छीन के लेंगे आज़ादी, ये नारे अभी तक गूंज रहे हैं, तब भी गूंजे थे, और अभी तक आपने CAA के विरोध हुआ उसमें भी गूंजे थे।
और आप देखिए क्या कंटिन्यूटी है, कितनी परसिस्टेंस है, कितनी वन पॉइंटेड एजेंडा चल रहा है। वही नारे कश्मीर में, वही नारे दिल्ली में, वही नारे कर्नाटका में। तो इतना वेल ऑर्गेनाइज है ये कि एक आम सनातनी ये शायद समझ ही नहीं सकता। उनको लगता है कि ये बस एक रिलीजियस मैडनेस है। इस देर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस, एंड अनलेस वी अंडरस्टैंड द मेथड इन दिस मैडनेस, वी विल सफर, एंड दिस जेनोसाइड्स विल कंटिन्यू इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री आल्सो। फिर आया स्टेज एक्सटर्मिनेशन का। तो हमारी टारगेटेड किलिंग चली 89-90 में, और उसके बाद संग्रामपुरा, नादीमर्ग, वंदाहामा, ये सारे मैसेकर हुए, जिसमें जो रहे सहे हिंदू थे उनको भी मारा गया। और उन मैसेकर्स के डर से वो लोग जितने रहे सहे थे वो भी भाग गए, और जो गिने चुने रह गए उनको एज अ शोपीस यूज किया जाता है कि देखिए यहाँ तो हिंदू अभी भी है, ये तो हमारे भाई हैं, कभी भी ये आए हम इनको वापस लेंगे। लेकिन जब अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के लिए जमीन देने की बात आई हो, तो इतना हंगामा किया, पहाड़ों में जमीन देने को तैयार नहीं हो, और कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, हम इनको वापस लाना चाहते हैं। ये देखिए दोगलापन क्या है। और फाइनल स्टेज है डिनायल, जो अभी भी चल रहा है, और जिस कारण से मैंने अपनी बुक लिखी और मेरी किताब भी वहीं से शुरू होती है कि जो डिनायल है वो सबसे पेनफुल। और ये जो नरसंहार करने वाले लोग हैं उनको ये डिनायल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने अगली जनरेशन को ये नहीं बताना चाहते कि उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। वो बोलना चाहते हैं ये लोग बुरे थे और अपनी मर्जी से निकले। इमेजिन कीजिए 5000 साल से हमारे पूर्वज वहां रह रहे हैं, 5000 तो मिनिमम है, वो तो जो हिस्टोरियंस कहते हैं भारतीय संस्कृति की तो 10,000 और उसके आगे का भी रिकॉर्ड है, तो 5000 तो हम मिनिमम मान लें। तो वो अपनी संस्कृति, अपने बड़े बड़े घर छोड़ के खुद ही निकल गए वहां से। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसमें सबसे बड़ा दुख का कारण मैं ये नहीं हूँ कि हमारे कई सनातनी भी, जब मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ लोग जो हैं जो अपने आपको लिबरल, सूडो लिबरल और लेफ्टिस्ट कहते हैं, और वो भी इसको प्रोपेगेंडा करते हैं, तो बहुत दुख उस समय होता है। तो हमारा रिस्पांस क्या था? अब इन लोगों ने जो कुकर्म करना था, इनका इनके जो जो इनकी जो इनका तुरुष्क दर्शन है उसके हिसाब से उनने अपने काम किए, तो हमारा रिस्पांस क्या था? तो हमारा रिस्पांस ये था कि लाइक आवर ब्रेव फोर फादर्स, हमने अपने घर छोड़े पर लेकिन अपनी अपनी सनातन संस्कृति नहीं छोड़ी। मैं आज जो जनेऊ लगा के हूं उसका कारण खाली धार्मिक नहीं है। अगर मैं ये जनेऊ निकालता हूं तो मैं, कई हमारे यंगर जनरेशन में आजकल निकाल रहे हैं जनेऊ की, कि नहीं ये फैशन में नहीं है वगैरह। मेरा पहनने का जनेऊ का कारण धार्मिक तो है ही है, क्योंकि तो कर्मकांड में बैठना है तो आपको तो जनेऊ चाहिए। लेकिन उससे बड़ा कारण है जो इस जनेऊ के लिए जो बलिदान, इस सनातन संस्कृति के लिए जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया, उनके लिए बहुत आसान था कि वो अपना धर्म बदल के मजहब इख्तियार कर लें और आराम से अपना सुख चैन से बैठे रहें। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी सुंदर लड़कियों की नाके कटवाई ताकि उन पे अफगान हाथ न डालें, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गए, उन्होंने यातनाएं सही लेकिन अपना सनातन धर्म नहीं सहा। तो वैसे ब्रेव फोर फादर्स की हम संताने हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं कश्मीरी हिंदू हूं, और मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं। और इसके अलावा हमारा रिस्पॉन्स था, हम लोग खालिस जो वहां से भाग के आए, निकल के आए, वो हम लोगों ने अपना खाली सर्वाइवल ही नहीं किया, हमने अपने लाइफ को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया। आज हम लोग हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs, टीचर्स अपना योगदान दे रहे हैं, और उस लोकल एरिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसको एनरिच कर रहे हैं अपनी जितनी भी हमारी कैपेसिटी ईश्वर ने दी है। क्योंकि हम एहसान मंद, हम कृतज्ञ हैं कि हमें आप इस सनातन संस्कृति ने शरण दी,
और हमें फलने फूलने का एक अवसर दिया, और हमने अपने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। हमारे पेरेंट्स ने एक रोटी कम खाई, लेकिन ये देखा कि हमारे पास पेन और कागज हो ताकि हम आगे बढ़े। और सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि हर कश्मीरी हिंदू को कश्मीरी मुसलमान ने मारा। आपको एक कश्मीरी मुसलमान नहीं मिलेगा जिसकी हत्या कश्मीरी हिंदू ने की हो। इतना मेरा कहना काफी है कि हम कश्मीरी हिंदुओं का कल्चर क्या है और हम क्या। अब आते हैं ये हमारा कश्मीरी हिंदुओं का रिस्पांस के बारे में मैं बात करते हैं। इंडियन नेशन का, हमारे भारतवर्ष का क्या रिस्पांस था उस समय। अब आपने देखा कि मैंने इसमें एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। ये सनातनियों को, भारतवर्ष को खुद सोचना है। जो यंगस्टर्स हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो हमारी एज के हमसे बड़े लोग हैं उनको सोचना है कि उस समय आप हमारा रिस्पॉन्स क्या था, क्या वो रिस्पॉन्स एडिक्वेट था। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने अपनी बुक का नाम रखा है एंड द वैली रिमेन साइलेंट। यहां तो पूरा भारतवर्ष साइलेंट रहा, आपको तो रखना चाहिए था एंड द नेशन रिमेन साइलेंट। बात गलत नहीं कही उनने। 32 एटलीस्ट 25-30 साल तक मुझे जो मुझे मिलता था उसे मुझे बताना पड़ता था कि वहां क्या हुआ। पता ही नहीं लोगों, पढ़े पढ़े लिखे लोग, जो मतलब पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं इंजीनियर्स हैं, नहीं पता उनको। क्योंकि जैसे मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जैसे मैंने अपना पहला स्लाइड रखा अहिंसा परमो धर्म, हमें बताया गया लेकिन अगली लाइन हटा दी गई। ये पावर ऑफ नैरेटिव है। अगर आप पावर ऑफ नैरेटिव के अगर आपके हाथ में है, आप चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, और वही किया गया। और इससे ये हुआ कि पूरे देश को पता ही नहीं लगा कि वहां कैसा नरसंहार हुआ और किस हद तक हुआ। ये तो कई किताबें आई, श्री जगमोहन जी की, कैप्टन तिक्कू, कर्नल तिक्कू सर की, और भी राहुल पंडिता जी की, जिन्होंने इसको सामने लाया। और फाइनली जो इसका मेन इम्पैक्ट मुझे लगा, जो कश्मीर फाइल्स मूवी ने जो बिल्कुल हिला के रख दिया सनातनियों के कॉन्शियस को कि हम उस समय सो क्यों रहे थे। अब इसका मुझे मतलब ये नहीं कि आप हमारे लिए सिंपथाइज करें। 30 साल हो चुके हैं, हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं लाइफ में, हमें सिंपथी नहीं चाहिए। लेकिन क्या इससे सनातनियों को कोई मैसेज मिल सकती है कि कल अगर कहीं और जेनोसाइड हो रहा है, क्या हम अभी भी सोए रहेंगे? क्या हम बोलेंगे नहीं? क्या हम लिखेंगे नहीं? अब आज सोशल मीडिया का दौर है, तो मुझे पूरी उम्मीद है यंग जनरेशन तो कम से कम अब चुप नहीं बैठेगी अगर ऐसा जेनोसाइड फिर से हुआ। मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स ये था, पिछले 32 साल में जो जो मुझे मिला मैं उनको ये अपनी स्टोरी बताता रहा। इसलिए नहीं कि वहां से कोई सिंपथी मिले, बट इसलिए कि एक लेसन मिले, एक एक सीख मिले भारतवर्ष को कि आपकी आर्मी होते हुए, आपकी सब कुछ होते हुए सनातनियों का नरसंहार इस भारतवर्ष में अभी भी हो सकता है। और मेरा रीसेंट रिस्पांस जो था, जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था, मैंने ये किताब में पिछले 2.5-3 साल से रिसर्च करके और जिनके साथ ये चीजें हुई उनसे बातें करके उनकी स्टोरीज लेके मैंने ये किताब लिखी। और क्यों लिखी, उसका ये कारण था, मेरी इंस्पिरेशन थी। मैं एक बार एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है स्लेव नैरेटिव्स। उसमें कई स्लेव जो अमेरिकन स्लेव्स थे, ब्लैक्स, जैसे फ्रेडरिक डगलस, वॉशिंगटन कार्वर, ये लोग, उनने बहुत ही बुरे हालातों में, इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, इनके साथ बहुत ही शोषण हुआ, लेकिन जैसे तैसे इनको थोड़ी अंग्रेजी आती थी या कोई भी जो भी लैंग्वेज, उन्होंने, कुछ लोगों ने स्पेनिश में भी लिखी है, उन्होंने अपना जो उनके साथ हुआ वो लिखा। और फिर जब मैंने ये किताब पढ़ रहा था, मुझे ये महसूस हुआ कि 150 साल बाद मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे जो उन लोगों के साथ उस समय हुआ वो सामने दिख रहा है। तो ये जो मैंने बुक लिखी, मैंने इस इंटेंशन से लिखी कि आज से
100 साल, 200 साल बाद, 50 साल बाद जब भी रिसर्च हो, ये तथ्य डॉक्यूमेंटेड हो। ऐसा ना हो कि जिन लोगों के साथ हुआ वो चले भी गए और ये डॉक्यूमेंट ना हुआ हो। और ये एक वीकनेस है। मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ से कलहन आए हैं, जो इंडिया के सबसे पहले क्रॉनिकलर और हिस्टोरियन है जिनने राज सरंगनी लिखी। तो अगर हम ही डॉक्यूमेंट ना करें कि हमारे साथ क्या हुआ, तो अगली जनरेशन को क्या सीख मिलेगी, वो क्या सीखेंगे, वो अपने आप इस सनातन परंपरा की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि पहला स्टेज है आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज। उसके बाद आपका उसका उस नॉलेज को आप डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद आप अपने एक्शंस लेते हैं। और सनातन कभी वायलेंट एक्शंस में विश्वास नहीं रखता, वो हम कर ही नहीं सकते। और दूसरा जो था मेरा कारण किताब लिखने का, कि एक मैलिशियस नैरेटिव रखा गया। आप जिससे बात करो, जो भी वैली से लोग अभी हैं वहाँ पे, उनसे बात करो, उनके यंगस्टर्स से, वो बोलते हैं भैया आप लोग तो खुद ही निकल गए ताकि हम पे इंडियन आर्मी जुल्म करे। तो और जब मैंने उनके यंगस्टर्स से बात की, उनके पिछली जनरेशन ने उनको ये बात इस तरीके से बोल रखी है कि उनको पूरा विश्वास कि ऐसा ही हुआ, ये लोग तो अपनी मर्जी से गए, ये लोग तो स्कीमर्स हैं, ये तो स्कीम करके निकले ताकि हमारा नुकसान। हम इमेजिन कीजिए कैसे विक्टिम को एक उसकी विक्टिमहुड को तो छोड़िए, उसको एक्चुअली एक स्कीमर, उसको एक कनाइविंग, एक एक षड्यंत्रकर्ता के तौर पे दिखाया जा रहा है। ये पावर हो सकता है नैरेटिव, तो इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। और मैं जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जेनोसाइड लिटरेचर, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड लिटरेचर में ऑलरेडी बुक्स हैं, बट मुझे लगा कि अभी भी बहुत ज़रूरत है। बहुत सी कहानियाँ अनकही हैं और उन कहानियों का कहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जो मेरी किताब में है, 90% जो कहानियाँ हैं ये पहले डॉक्यूमेंट नहीं हुई है, और जो कहानियाँ, जो चीज़ें 10% इसमें या 5-10% जो पहले कही गई हैं, उनका मैंने रेफरेंस बुक में डाला हुआ है। बाकी 90% ये पहले इनको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। और जैसे मैंने कहा कि मैंने ये मटेरियल इसलिए, आशुतोष जी ने भी कहा कि फ्यूचर हिस्टोरियंस को के लिए एक मटेरियल है जिस पे वो काम कर सकते हैं। और जब उनको देखना होगा कि 1989-90 में कैसे सनातन धर्म को अब लगभग समाप्त कर दिया गया था सेंचुरीज के बारे में बाद, तो उनको ये पता लगेगा कि वो उस समय सरकमस्टांसिस क्या थे, किन हालात में सनातन का के अंत की कोशिश की गई। और ऑलमोस्ट दे आर सक्सेसफुल, थिंग्स आर लिटिल बिट चेंज, बट अभी तक तो वो सक्सेसफुल है। अब मैं थोड़ा बहुत अपने बुक के बारे में बताऊंगा कि इसमें बेसिकली मैंने आई विटनेस अकाउंट्स लिए और उनको जो बड़े वेल नोन इवेंट्स है, जैसे आपने कश्मीर फाइल में देखा होगा कि वो ड्रम किलिंग हुई थी श्री गंजू साहब की, तो ऐसे ऐसे इवेंट्स को मैंने एक ग्रिड बनाया और उस ग्रिड को फिल किया रियल टाइम में, जो एक्चुअल टाइम में जो मुझे स्टोरीज मिली। कोई स्टोरी एक पैराग्राफ की थी, कोई 10 पेज की थी, कोई 20 पेज की थी, उनको एक लीनियर लाइन में डाल के पिरोया और एक ट्रू स्टोरी आई विटनेस अकाउंट रीडर के सामने रखा, जिससे जो भी उस किताब को पढ़ेगा उसको एक उसको आइडिया मिलेगा, उसको एक फर्स्ट हैंड अकाउंट मिलेगा कि उस समय जो कश्मीरी सोसाइटी थी उनकी माइंडसेट क्या थी, कैसे वो काम कर, कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश हुआ, कैसे एडोलेसेंट्स का हुआ, कैसे बड़ों का हुआ, और कैसे ये एक अभी का एकदम सडनली सडन इवेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट इवेंट नहीं था, एक बहुत ही लंबा सोचा समझा समझी प्रक्रिया थी। तो इसमें मैं जो रीडर है उसको महाभारत से शुरू करके 2019 तक ले जाता हूँ। हालांकि किताब में मोस्टली 80% इज अबाउट 89-90 पीरियड, लेकिन मैंने महाभारत से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि कई लोग मुझे मिले। अभी मैं रिसेंटली अपने एक डॉक्टर, कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर से बात कर रहा था किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों का तो भारतवर्ष से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो अलग ही हैं, हम तो हमेशा से अलग रहे हैं। यहाँ तक कहने के लिए कि आप लोग भी एक्चुअली, आप लोगों का जो हिंदुइज्म है वो तो अलग ही है, उनसे तो
मेल ही नहीं खाता। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए, ताकि हमारे अपने यंगस्टर्स भ्रम में न फंसे, मैंने 4 पेज हिस्ट्री लिखी है महाभारत से शुरू करके 1947 तक। मैं रीडर को ले जाता हूँ जिसमें मैंने 4 पेज में संक्षिप्त हिस्ट्री लिखी है, ताकि दिखाने के लिए कि हमारा कनेक्शन भारतवर्ष से बहुत घनिष्ठ, बहुत ही डीप और बहुत ही पुराना है। जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर आशुतोष सर ने अभी बताया, तो वो है। और एक एथनिक क्लेंजिंग और कल्चरल जेनोसाइड तो मैंने आपको बताया, वो चल ही रहा है। एथनिक क्लेंजिंग 1989-90 में हुआ जब सब लोगों को भगा दिया गया, और कल्चरल जेनोसाइड तो अभी भी चल रहा है। और फिर एक अबॉरिजिनल डिबेट है। इसी डॉक्टर महोदय ने मुझसे कहा कि भाई आप अपनी किताबों में, खासकर जब उनको मैंने बताया कि मैं भी बुक लिख रहा हूँ, तो बोला उन्होंने कहा कि आप अपनी किताबों में अबॉरिजिनल लिखते हैं अपने आप को, क्या हम अबॉरिजिनल नहीं है? तो फिर मैंने उनसे कहा देखिए आप से पूछूं कि आप कहाँ से हैं, तो उनने कहा कि मेरे पूर्वज तो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। मतलब वो खुद अपने को अबॉरिजिनल बोले, जब मैं उनके पूर्वज पूछूं तो बोल रहे हैं हम सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। किसी को पूछो वो बोलता है मैं तो अरब से आया हूँ, किसी से पूछो वो मैं तो अफगानिस्तान से आया हूँ, किसी और से पूछो वो तो वो कह रहा है कि मैं वहां से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ। कोई भी वहां पे ये नहीं कहना चाहता कि वो वहां से है। और जो वहां के जिनके जैसे हमारे जैसे सरनेम है कौल भट्ट, अगर उनसे पूछा जाए वो शायद ये मान ले कि वो वहीं के हैं, लेकिन फिर ये भी कहेंगे कि हमारे पूर्वजों में फिर बाहर के अरब भी थे, वो भी थे, वो भी मिक्स हो गई है, वो भी कहेंगे। या ये कहेंगे अगर कोई जवाब ना हो कि अगर उनसे पूछा जाए क्या ललितादित्य आपका आपके पूर्वज हैं, क्या आप गर्व से कहते हैं कि अभिनव गुप्त आपके पूर्वज हैं और आप उनकी उनको ओन करते हैं, तो कभी ओन नहीं करेंगे। और लेकिन अपने आप को अबोरिजिनल कहेंगे। अरे आप कैसे अबोरिजिनल, ना आप कहते हैं कि आप ना वहां से हैं। अभी भी वहां पे ये स्टोरियां चल रही है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था जो वहां के एक ऑथर ने लिखी है, अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि खुरासान से एक आर्मी आएगी जो उनको वहां से उनको आजाद करेगी। मतलब आर्मी भी बाहर से आएगी, वो कोई हिंदू इंडिया भारतवर्ष से नहीं आएगी, और जो भारतवर्ष की आर्मी उनको लिबरेट नहीं करेगी, बाहर से आएगी आर्मी। तो सब तो आपको बाहर का है ना, आपका कल्चर सनातनी, ना आपका कल्चर इंडियन, ना आपका अपने रूट्स को आप इंडियन बोलते, फिर आप अबोरिजिनल कहां से हो गए? तो ये अबोरिजिनल डिबेट है उसी समय। और जो मैंने उनसे ये कहा तो वो उनके लिए कोई आंसर नहीं था, क्या अभिनव गुप्त आपके पूर्वज हैं, क्या ललितादित्य, क्या आप गर्व महसूस करते हैं जब कि ललितादित्य हमारे रूलर थे, क्या आप आदिशंकर के विजिट को एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट था? तो वो सब तो है ही नहीं, तो फिर कहा है क्या अबोरिजिनल आप? हमारी जो संस्कृति, जो रिचुअल्स कश्मीरी हिंदू फॉलो करते हैं, जो हमारे पंचांग है, 5,000-5,000 साल के पुराने हमारे चल रहे हैं पंचांग, तो अबोरिजिनल तो हम हैं। हम तो हमारे तो ललितादित्य, अभिनव गुप्त, अवंती वर्मन हमारे पूर्वज हैं, और हमें गर्व है कि हम उनकी संताने हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को अबोरिजिनल कहें, मूल निवासी कहें? आप भी उनको ओन कीजिए और गर्वान्वित महसूस कीजिए। जिस दिन आप उनको ओन करेंगे उस दिन आपको, आपके मन में ये विचार नहीं उठेगा कि सनातन धर्म को का सफाया करना है, उसका विनाश करना है, क्योंकि आप भी, आपके पूर्वज भी वही हैं। यू हैव चेंज योर फेथ बट यू कांट चेंज योर एंसेस्टर्स। फिर मैंने इस बुक में रियल लाइफ इंसिडेंट्स को यूज करके दिखाया है कैसे हमारी जो कम्युनिटी बहुत ही हाई लिटरेसी रेट और हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी को वहाँ डिस्क्रिमिनेट किया गया जॉब्स में, प्रोफेशनल कोर्सेज में और डे टू डे लाइफ में, वो मैंने सब दिखाया है बुक में, और कैसे किन किन परिस्थितियों में हमें वहाँ से भागना पड़ा। और ये सब मैं आई विटनेस, जो वहाँ पे विटनेस थे उनकी आंखों से दिखा रहा हूँ। और इस बुक में मैंने कोई अपना मेमोयर नहीं लिखा है, हालांकि मेरे अपनी स्टोरी भी उसमें आती है, लेकिन सिर्फ इस हद तक आती है कि हमने क्या देखा, हमारे साथ क्या हुआ, बस इतना। क्योंकि एज अ पर्सनल लाइफ आई हैव नॉट डन समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट एज अ पर्सन वी सॉ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स हैपनिंग एंड वी फेस्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, सो दोज नीडेड टू बी डॉक्यूमेंटेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इस किताब में ये भी लिखा है कि किस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स थे, उनकी जनरेशन थी, उनने यातनाएं सही, उतने डिफिकल्टीज सही, उनने हार्डशिप सही, लेकिन ये इंश्योर किया कि हम
के टेंटों में, अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में, जिनकी जैसी शक्ति थी वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। और अगर हमने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, या हमारे पेरेंट्स की जो वो डॉगेड डिटर्मिनेशन थी कि नहीं हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, और ये मेरे हिसाब से एक तमाचा है उन लोग उनके मुंह पे जो चाहते थे कि हम हमारा संपूर्ण समूल विनाश हो। हमारा विनाश नहीं हुआ, ना ही हमारा विनाश हुआ, इनफैक्ट हम तो अब थ्राइव कर रहे हैं। हमारे लोग नासा में हैं, जॉर्ज बुश की फाइनेंशियल एडवाइजर कमेटी में हमारे लोग हैं, टॉप डॉक्टर्स यूके में और यूएसए में हमारे लोग हैं, इंडिया में टॉप डॉक्टर्स रिसर्चर्स हमारे लोग हैं। तो किताब लिखते लिखते मुझे कुछ इंसाइट्स हुई जो मैं आपने शेयर करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं फाइनली वाइंड अप करूँ। कवर पेज में अगर आप देखेंगे उसमें ये एक नारायण नाग मंदिर की फोटो है, तो ये क्या डिपिक्ट, ये सुनील रैना जी मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उन्होंने मुझे फोटो भेजी, तो ये मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही चित्र है इस परिस्थिति को, इस बुक को डिस्क्राइब करने के लिए। पहले तो आप देखिए कि मंदिर का इनसाइड है, इसमें जो मूर्ति है वो गायब है, और ये चित्र ये दिखा रहा है कि जो जिनोसाइड है ये, और कल्चरल जिनोसाइड है ये, आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। राजा महाराजा ललितादित्य ने, सम्राट ललितादित्य ने ये बनाया था, तो ये इसकी डिस्ट्रक्शन सुल्तानों ने तब से की। तो हमारा जो कल्चरल जिनोसाइड है 7 सेंचुरीज पुराना है, तो एक तो ये चीज बताती है ये तस्वीर, ये चित्र। दूसरी चीज ये बता रही है कि इसमें जो शिवलिंग है वो इट इज अप्रूटेड, उसको उखाड़ा गया है। तो जिस तरीके से इस शिवलिंग को उखाड़ा गया है, उस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को भी वहां से उखाड़ा गया है। तो इसका दूसरा मतलब ये है। और जिस तरीके से ये सूना पड़ा हुआ है, उसी तरीके से माँ शारदा की धरती अपने मूल निवासियों से सुनी पड़ी हुई है, वो वहां पे नहीं है। तो ये मेरा रीजन था इसको, इस तस्वीर को बुक के पहले कवर करने के लिए। और बुक जब मैं लिख रहा था तो मैं थोड़ा, क्योंकि मैं मेडिकल रिसर्चर भी हूँ, तो मैंने जब डेटा देखा, मैंने तरुण कश्मीर की वेबसाइट देखी जहाँ पे नाम के साथ किस दिन लोगों को मारा गया 89-90 के पीरियड में, तो उन लोगों के नाम, लोकेशन और डेट, तो मैंने उस डेटा को ग्राफिकली, उसको डेटा को टैली करके उसका एक ग्राफ बनाया, जो बहुत ही, इनफैक्ट शुरू में मैंने एक ग्राफ नहीं रखा था किताब में, लेकिन जब मैंने अपने पब्लिशर को बताया कि मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है, तो उन्होंने तो कहा कि भाई आपको ये रखना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट पे ग्राफ मैंने ऐड कर दिया, हालांकि मेरे पास 1 साल 1.5 साल से पड़ा हुआ था, एंड आई एम नॉट श्योर कि, क्योंकि ये डेटा तो पिछले 30-32 साल से है कश्मीर की साइड पे, सबको पता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म। हेलो, इट इज सो दैट आई कैन नॉट लिसन टू इट। जी जी, चलिए प्लीज कैरी ऑन। सर, इज माय वॉइस ओके? हाँ जी, हाँ जी, ओके। इज इट डिस्टेंट और इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर, ओके फाइन। तो ये बाग डायग्राम अगर देखेंगे, 89 सितंबर 89 से शुरू होता है और अक्टूबर 90 पे तक मैंने ये बाग डायग्राम बनाई हुई है। अगर आप 89 सितंबर से लेके फरवरी तक देखें तो एक दो दो लोगों को मारा जा रहा है, और 19 जनवरी 1990 जो एक बहुत ही की इवेंट था, जिस दिन लाखों लोग सड़कों पे आए और हिंदुओं को डराया गया, जो बहुत ही सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, इतना डर बिठाया गया कि 19 जनवरी रात को जब हम सारी कश्मीरी हिंदुओं को डराया गया, 20 की मॉर्निंग को हजारों लाखों लोग वहां से भाग गए, क्योंकि उससे पहले रेप और किलिंग हो चुके थे, तो लोग डरे हुए थे। और जब 19 जनवरी को एक बहुत ही लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आके ऐसे लाउडस्पीकर से चिल्लाना शुरू किया, जिन स्लोगन्स का अभी मैंने बताया था, तो लोग भाग गए। तो जनवरी फरवरी तक लोग, काफी लोग भाग चुके थे, लेकिन आप देखिए जबकि मेजोरिटी या ज्यादातर लोग भाग चुके हैं, उसके बावजूद
किलिंग्स जनवरी 1990 के बाद पर्टिकुलरली मार्च से कितनी पेसअप हो रही है, किलिंग्स इंक्रीज हो रही है इस ग्राफ में और तब तक नहीं रुक रही है जब तक कि मेजोरिटी अक्टूबर 1990 और उसके आसपास जब तक कि सब लोग जो रह सहे लोग हैं वो भी न चले जाएं। तो ये ग्राफ ये दिखाता है कि जब थोड़े बहुत लोग भी बचे हुए थे वैली में उनको भी बख्शा नहीं गया था, इंटेंशन था कि इनको इनकी एथनिक क्लेंजिंग करनी है। और ये एक बहुत ही ये ग्राफ दिखाता है कि इंटेंशन वॉज एथिनोसाइड, इंटेंशन वॉज जेनोसाइड, इंटेंशन वॉज एथनिक क्लेंजिंग। एंड लास्ट मैं एक रियलाइजेशन जो किताब लिखते मुझे हुई, जो शायद सबकॉन्शियस में थी, कई लोगों को शायद पता भी होगी, लेकिन जो मुझे पर्सनली रियलाइजेशन हुई कि हमारी आर्मी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, हमारे एक ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है हमारी इस भारतवर्ष का, और उसी की वजह से हम एक नॉर्मल लाइफ, एक सेफ लाइफ बिता सकते हैं और एक प्रॉस्परस नेशन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन उस रात 19 जनवरी 1990 को जिस दिन लाखों लोग सड़कों पे थे और आर्मी कैंटोनमेंट एरिया बिल्कुल श्रीनगर के बगल में है, कोई आर्मी यूनिट, एक जवान सड़कों पे नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि उनका कसूर नहीं है, मैं मेरे को सबसे हाईएस्ट रिगार्ड है, उन्हीं की वजह से हम बचे रहे आर्मी की वजह से, वहां पे वहां से सेफली निकल पाए। कहने का मतलब यह है कि उस समय पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल विल नहीं थी, तो जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिया आर्मी को कि आप निकलिए और इन लाखों लोगों से इस छोटी कम्युनिटी को बचाइए। तो एक सशक्त आर्मी बंदूकें पकड़ के तैयार खड़ी थी निकलने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाई। दैट इज द पावर ऑफ पॉलिटिकल विल। सो दैट वॉज अ रियलाइजेशन, मुझे लगा देखिए कितने एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन हमारे बगल में था, लेकिन हमें फिर भी सहम के डर के उस रात को बिताना पड़ा। तो आगे रास्ता क्या है, मतलब अब ये सब हो गया, आगे रास्ता ये है कि इसके बारे में इतना कहा जाए, लिखा जाए और जेनोसाइड लॉज एनेक्ट किए जाएं कि फ्यूचर में कोई भी किसी भी एरिया में, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जेनोसाइड ना हो पाए, और अगर भगवान ना करे होए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, अब हमारे कातिलों, हमारे हत्यारों को एक को भी जिसने मारा, रेप किया, एक भी आज तक उन क्राइम्स के लिए उन के लिए जेल में नहीं गया। उसके कारण अलग है, मैं वो मतलब डिटेल में अगर कोई पूछता है। और फाइनली जब तक अभी आपने देखा रिसेंटली किलिंग्स हुई, जब तक आप कश्मीरी हिंदुओं के लिए सेपरेट होमलैंड नहीं बनाएंगे, तब तक इंडिया के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से कोई सलूशन नहीं है कश्मीर का। अगर भारतवर्ष चाहता है कि उनका जो कश्मीर में प्लान है लॉन्ग टर्म है, परमानेंट है, इटर्नल है, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए होमलैंड आपको देना ही पड़ेगा। और उसके लिए जब तक जनमानस उसके लिए सपोर्ट नहीं करेगी, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो तब तक उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो विद दिस आई एंड, और ये मेरी क्वेस्ट जो थी बुक की टुवर्ड्स ट्रुथ थी, ट्रुथ को डॉक्यूमेंट करने की। तो आई क्लोज विद माई प्रेजेंटेशन विद दिस लाइन, असतो मा सद्गम्य, टेक अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ, जय भारत। इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और आई थिंक आई विल अनशेयर। धन्यवाद डॉक्टर, I hope voice was good. I'm sorry if there was something you could not hear. जी. हाँ, बीच में थोड़ी बहुत disturbance आती रही है, लेकिन by and large it was clear. होता ही है, ये तो घटनाएं घटती ही हैं. जो कुछ आपने कहा है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त है. अंदर से हम लोग कैसे महसूस करते हैं कि अपने ही देश में हम पराये हो जाएं? हमारा संविधान जो हमारे ऊपर, जिसे हमने स्वीकार किया, अजीबोगरीब भाषा जो संविधान की है, हमने अपने आप को अर्पित किया उस संविधान, उसी संविधान ने हमारी कोई रक्षा नहीं की।
और पॉलिटिकल नैरेटिव जो था उसमें वाकई आर्मी को कभी एक्शन प्रॉपरली लेने नहीं दिया गया, उसके हाथ बांध दिए गए। और ये बात तो मैंने जब आर्मी पर्सनल के साथ भी मेरी बातचीत हुई तो ये वहां पर उन्होंने एडमिट भी किया और ये बातें बड़ी स्पष्ट रूप से, लेकिन मीडिया ने नहीं उठाया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने नहीं उठाया। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब जब डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगी तो हिंदू कम से कम सुरक्षित नहीं रह सकता। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि केरल में अब डेमोग्राफिक चेंज आ रही है, यूपी में आ रही है, बिहार में आ रही है, असम और बंगाल में आ रही है, अगर अब भी गवर्नमेंट्स जो हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है अगर इस बात को हम नहीं ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम निकट भविष्य में हमें भुगतने को तैयार रहना होगा। कोई आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि इस्लाम के लिए आपका जिस संविधान का हम ढंडोरा पीटते हैं वो कोई अर्थ नहीं रखता। और मैंने ये भी देखा है और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भी लोगों से मैं मिला जो अपने आप को बड़े लिबरल्स और बुद्धिजीवी और जो नहीं जो भी आप कहें उनको, उन्होंने संविधान को या तो तलवार के रूप में यूज किया है या ढाल के रूप में। जहां कहीं भी हिट करना है तो वो तलवार के रूप में उसको यूज करते हैं, और जहां उनके ऊपर अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी ओर उंगली उठाने की भी कोशिश करते हैं, तो वो उसको ढाल की तरह इस्तेमाल करते रहे। तो अब इस सारे विषय को लेकर के यही हमारे पास रह जाता है कि या तो हम संविधान का उपयोग करना सीखें अपने फायदे के लिए कि जैसे बाकी लोग बाकी मजहब कर रहे हैं कि संविधान को तलवार और ढाल की तरह, नहीं है तो इस संविधान में जो अपेक्षित परिवर्तन है उनको किया जाए और जो है अपने भविष्य को, हम भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब जब बातें कर रहे थे और इतिहास, क्योंकि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, और निश्चित रूप से मेरे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि डॉक्टर साहब की इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें क्योंकि फर्स्ट हैंड अकाउंट्स जो हैं वो आपको देखने और उसमें मिलेंगे। तो उन्होंने इतिहास से शुरू करके सारा जो सोशो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको भी उसमें शामिल किया है, तो उससे एक समझ आपकी बड़ी स्पष्ट सी बनती है। और उसी इतिहास में से ये एक सिकंदर बुचिकन नाम का जो रहा है सुल्तान बादशाह वहां का, और उसने किस तरह से जनेऊ के लिए ब्राह्मणों की हत्या की है, और ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं और जिनके विषय में हमने क्या क्या नैरेटिव डिजाइन करके सारे भारत में फैला दिए हैं, उन सेक्रीफाइसेस की कोई बात नहीं करता क्योंकि अपनी अपनी दुकानें चलानी है लिबरल्स ने लेफ्टिस्ट ने, तो निश्चित रूप से जो है वो उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं कि आप अंदाजा करिए कि भी 4 लाख से ज्यादा ब्राह्मणों के लोगों की हत्याएं की गई हैं सिकंदर बुतचिकन के। बुतचिकन का मतलब होता है जो बुतों को तोड़ता है, मंदिरों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ता है। तो इस तरह के तो वो अपने लिए वो जो है वो पदवियां देते रहे anyway, लेकिन जो कुछ डॉक्टर साहब ने कहा है वो वाकई मेरे तो बड़े गहरे और भीतर उसने स्पर्श किया है, और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी मेहनत से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, अकाउंट्स को जाकर के नोट डाउन किया, सुना, समझा और फिर उसको लिखने में लाए, और पूरे एक बैलेंस तरीके से उन्होंने उसको लिखा है, तो उसके लिए वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र है। तो ज्यादा बात ना कहते हुए मैं आप लोगों में से जिनकी भी कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई और बातें हैं जो आप लोग हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी बात हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर अविनाश जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से। ये ओपन हाउस सेशन है, इसमें कोई भी सवाल, कोई भी टिप्पणी, और अगर आपकी कोई असहमति है किसी प्रकार की तो वो भी आप पूछ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जी मुझे लगता है प्रोफेसर विनाश जी, सुनील जी अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं सुनील रैना जी हाँ जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब सर मैं आपका जरूर एक इस सारे पे प्रति संवेदन एक रिस्पांस जरूर चाहूंगा
डॉक्टर साहब ने जिस तरह से ये सारा वक्तव्य दिया है और जो मेहनत की है, निश्चित रूप से आपके बाद बिना तो बात अधूरी रहेगी। डॉक्टर साहब, ये है कि डॉक्टर राहुल जी एक बहुत अच्छे लेखक भी है और मैंने इनकी प्रतिभा बहुत वर्ष पहले जान ली थी जब इन्होंने भवन जर्नल में कुछ आध्यात्मिक आर्टिकल लिखे थे। उसके बाद मेरे एडिटरशिप के दौरान इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा नाद के लिए, वो था व्हाई आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और उस आर्टिकल को लेख को कम से कम फेसबुक में 1,000 शेयर हुए थे, ट्विटर पे 5,000 शेयर रीट्वीट हुए थे उस लेख को। उसमें इन्होंने लिखा था कि जिस टाइम पे डॉक्टर राहुल और उनका परिवार कश्मीर से पलायन कर रहे थे तो इनके पिताजी केवल दो ट्रंक संदूक लेके कश्मीर से निकले, एक में उनके खाने पीने के बर्तन थे और एक में डॉक्टर राहुल की पढ़ाई की किताबें। तो ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने पढ़ताना ही सही, उन्होंने दिक्कतें को झेला लेकिन आने वाली पीढ़ी को ज्ञान का मार्ग दिया और वही ज्ञान के मार्ग का प्रतिबिंब आज डॉक्टर राहुल ने प्रस्तुत किया है अपनी इस पुस्तक के रूप में। अब सवाल ये है, क्या हमें इसको डॉक्यूमेंट करना ही इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने बहुत बारी राहुल जी से बात की थी इस बारे विषय में, मैंने कहा आप तो इतना अच्छा लिखते हैं और ये इसको डॉक्यूमेंट करना बड़ा आवश्यक है। मैंने भी अपने कार्यकाल में नाद के बहुत सारी ऐसी 20-25 स्टोरीज जो घटनाएं हुई थी नरसिंहार की, जिनको लोगों की आम जनता की दृष्टि में मालूम नहीं था, उसको छापने का कार्य किया। और फिर बाद में मैंने राहुल जी से भी कहा कि आप भी अपने संपर्क में करके एक ऐसे और कुछ तथ्य हो जो उनकी जानकारी में हो उसके उस पर काम करें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राहुल जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और आज इस पुस्तक के रूप में उन्हें एक पूरे जनमानस के सामने प्रस्तुत किया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को, जो हिंदू हिंदू सनातनी है, हम लोगों को विसमृति का बोध है। हम लोग जल्दी से अपने जो घटनाएं, जो हमारे साथ दुर्बलताएं हुई है, जो हमारे साथ यातनाएं हुई है, जो नरसंहार हुए हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। ये या तो हम उसको इस बात से छोड़ देते हैं कि ये तो प्रभु की लीला है, ये तो चलता रहेगा, या तो हमने ये मान लिया है कि इसमें कुछ होना नहीं है, इन नरसंहारों का हम लोग प्रतिरोध नहीं कुछ कर सकते, तो इसीलिए ये तो चलता रहेगा, इसीलिए हमें इसको याद रखने कोई कोई इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है। यही कारण है 47 में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, भारत माता के दो टुकड़े हुए, उन हिंदुओं ने भी आज तक इस प्रकार से कोई विशेष रूप से कोई किताब या इस प्रकार की कोई नैरेटिव्स नहीं सेट किया। पाकिस्तान हमारे नेता हमें क्या कहते हैं, जब अटल जी पाकिस्तान चले गए, वो उधर मीनारे पाकिस्तान गए, तो उन्होंने उधर लिखा मीनारे पाकिस्तान में लिखते समय पुस्तक पे, वहां की गेस्ट बुक पे, कि भारत पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, वेल्दी हेल्दी पाकिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये कितना बड़ा झूठ उन्होंने लिखा। पाकिस्तान का जो मूल सिद्धांत है वो भारत को नष्ट करना, भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट करना है, यही कारण था। ये तो 47 में एक पाकिस्तान आया, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान था, जहाँ शाही राजाओं का राजवंश चलता था, और उसको भी हम आज भूल चुके हैं। वहां की जितनी भी नदियां हैं आज उनका वही नाम है जो वेदों में लिखा था, हालांकि उन्होंने उसका ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है। इसी प्रकार से जो कश्मीर था, कश्मीर एपिसेंटर था, सेंटर था, ये न्यूक्लियस था, और आसपास के जितने भी जनपद थे ये सनातन धर्म से लगे हुए थे, उनकी मान्यताएं थी आसपास के राज्यों में, चाहे काश्मीर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कंधार हो, स्वात हो, तिब्बत के कुछ इलाके हो, इसी तरह का पूरा भारतवर्ष था, मध्य एशिया और ये साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। तो ये हमें अपनी अपनी जो संस्कृति है उसका जो एक फुटप्रिंट था वो एक आस्ते आस्ते हम अपने सामने देख रहे कैसे मिटाया जा रहा है। हमने पिछले 32 सालों में देखा कश्मीर में किस प्रकार से जेनोसाइड तो हुआ, हम लोगों का कश्मीर से पलायन हुआ, हम लोगों को कश्मीर से निकाला गया, उसके बाद वो उस जगह पे नहीं रुके हैं। कश्मीर की वहां पे जो गांव, हिंदू नाम के जो गांव थे, उनको उर्दूवाइज या इस्लामाइज किया जा रहा है, उनको अरबाइज किया जाता है। श्रीनगर का नाम क्या है, श्री यंत्र से ही बना है, जहाँ श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, उसी श्री से श्रीनगर का
नाम रखा गया है, लेकिन अब उसका नाम क्या करने की कोशिश की जाती है, शहर खास। वहां के वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में श्रीनगर को अब शहर खास के नाम से जाना जाता है। अनंतनाग, जहां भगवान विष्णु के बड़े सर्प का वास है अनंत का, उसको उसके नाम पे अनंतनाग है, और वहां के वो प्रधान देवता भी है अनंतनाग, उसको कश्मीर में इस्लामाबाद के नाम से रखा गया। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से कश्मीर में जितने भी हिंदू गांव हैं उनका नाम परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक कल्चरल जेनोसाइड ही नहीं, ये ज्योग्राफिकल जेनोसाइड भी, आपकी स्मृति से आपको खत्म किया जाए। मैं कुछ वर्ष पूर्व जब कश्मीर चला गया तो मैंने एक को पूछा कि यार यहाँ वो गौरी मंदिर है एक जगह पे, कहता कौन गौरी, ये क्या होता है। तो ये, और ये बात किसने बोली, ये मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से ही जानबूझ के पूछा था कि मुझे उस मंदिर में जाना है। अब युवा को तो पता नहीं होगा, लेकिन बुजुर्ग को पता थी, लेकिन बुजुर्ग ने जिस प्रकार से मेरे को इसका कहा कि मैं तो किसी इस चीज को जानता नहीं हूँ, तो ये एक जानबूझ के आपको बताने की ये है उनकी प्रयास कि हमें आपको नहीं चाहिए, हमने इसको इस्लामाइज कर दिया है इस जगह को। और इसी प्रकार से जो उन लोगों ने एक नैरेटिव अपने बच्चों में लगातार रखा है, जैसे मैं कश्मीर हर साल जाता ही रहता हूँ, अभी मैं आपको पिछले साल का ही एक उदाहरण दे दूंगा। मैं तिलक करके अपने आश्रम से निकल रहा था, तो मैंने कश्मीरी में एक ऑटो वाले से बात की, मैंने कहा जी मुझे उधर लाल चौक में इस पति मंदिर में जाना है, तो एक शब्द सा रह गया मुझको देख के, तो मैं भी हैरान हो गया। मैं कहा भाई क्या ऐसे क्या तू देख रहा है, कह रहा जी मैंने तो कश्मीरी पंडित कोई देखा नहीं था आज तक, आप पहली बार ही मिले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं भी हैरान हो गया कि इसने क्यों मेरे को कहा कि कश्मीर, इसको कैसे पता चला। तो जब मैं ऑटो में बैठा तो मैंने शीशे में देखा अपनी ओर, तो मैंने तिलक मेरे माथे पे लगा हुआ था, तो मैं तब समझ गया कि इसने मेरे को कश्मीरी पंडित पहचान लिया, क्योंकि कश्मीरी में बात की और तिलक है तो कश्मीरी पंडित होगा। तो उस ऑटो राइड के दौरान उसने मुझसे ये बोला कि आप लोग क्यों कश्मीर छोड़ के चले गए, आपको नहीं भागना चाहिए था। तो मैंने कहा भाई बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कह रहे थे मैं 21 साल का हूँ। तो मैंने कहा ये तुम्हें किसने कहा कि हम छोड़ के चले गए, कहता नहीं हमारे बाप दादा यही कहते हैं कि हिंदुस्तान को यहाँ हमें मुसलमान मारने थे, इसीलिए उन्होंने कश्मीरी पंडित बाहर निकाल दिए। तो इस प्रकार का एक नैरेटिव एक उन जनमानस में क्रिएट किया, उस नैरेटिव के विरुद्ध हमने अपना नैरेटिव नहीं खड़ा किया, भाई तुम लोगों ने हमें लिखा। जी जी जी, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने किसके पूतना को खाली इतना कहा तुम पूतना, तुम तो पूतना हो, बस वही एक सच बोलना था पूतना को कि भाई मैं समझ गया तुम कौन हो, और उसका सारा तिलिस्म वही टूट जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों को उस राक्षस को, उस मायावी राक्षस को जो महिषासुर के रूप में जिहाद के रूप में पूरे भारत के ऊपर एक विकराल दृष्टि लगाए रखा है, उसको ये बताना कि तुम ये कोई सेक्युलरिज्म के नाम पे जो तुम्हें उदंडता कर रहे हो, ये तो वो वैसी बात नहीं है, तुम वो राक्षस हो जो मेरे सनातन के ऊपर दृष्टि रख जमाए हो, मुझे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो, और ये हमें हम पूरे सनातन समाज को जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो बात कश्मीर में हुई, ये जो बात 47 में बंगाल का नरसंहार हुआ, ये मुपला का नरसंहार हो गया, या जो बाद में पंजाब का नरसंहार हो गया, और वही निरंतरता आज पाकिस्तान में भी हो रही है और कश्मीर में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है। तो हमें इस पे अपनी दृष्टि जमाए रखनी है और इस नैरेटिव को बिल्कुल हावी नहीं होने देना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। हिंदुस्तान में मुसलमान न केवल सुरक्षित है बल्कि हिंदुस्तान में हिंदू का ही शोषण करने में लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये बात तो बिल्कुल मैंने अपने खुद कानों से, और जिस होटल में मैं रुका था तो वहां पर उसने इस्लामाबाद शब्द ही प्रयोग किया था अनंतनाग के लिए, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, और निश्चित रूप से बड़ा एक महनीय प्रयास की अपेक्षा है इस नैरेटिव को बदलने में और अपना नैरेटिव स्थापित करने में। लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि किसी और के कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, डॉक्टर अरुणा जी अगर आपका हो, डॉक्टर रूपिका बनोट, डॉक्टर अनुभा, अगर आप लोग कोई संक्षेप में टिप्पणी करना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर मैं प्रोफेसर ललित जी को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद करने के लिए। अरुणा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम।
सर बहुत हमें अच्छी जानकारी मिली है, जो हमें भी नहीं पता था उसके बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आप समय समय पर ये जो वेबिनार करते हैं तो उससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैंने आपका पिछला जो वेबिनार था उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू मैम। हाँ जी धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर रूपिका, आपने कुछ कमेंट्स भी डाले हैं, अगर आप अपनी बात को मंच पे रखें तो ज्यादा अच्छा है। नमस्कार सर। नमस्कार, थोड़ा सा लाउड, आप आवाज कम है आपकी। सर पूरा वक्तव्य सुनने के बाद अपनी ओर से कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उसका प्रभाव बहुत गहरा है। लेकिन एक वर्ड मैंने सुना, डॉक्टर साहब ने बात की थी होमलैंड की, तो उसको मैं पूरी स्पष्टता से समझ नहीं पाई। हो सकता है उसके बारे में पहले बात रही हो और मुझे ना पता हो, अगर वो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल सके तो। होमलैंड की जी, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, उसके बाद मैं सुनील जी से कि आप शायद इसके बारे में और डिटेल बता सकते हैं। बेसिकली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है पनून कश्मीर, और वो चाहते हैं कि कश्मीर वैली में हमारे लिए एक अलग हो, जैसे जब तक आप सनातनियों को वहाँ पे फिर से स्थापित नहीं करेंगे, आपकी कितनी भी आर्मी हो, मैंने आपको बताया आर्मी का क्या मतलब, बिल्कुल आर्मी एक उसका लिमिट है, वो एक सीमा के अंदर काम करती है। खास इंडियन आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड है, वो पॉलिटिकल बॉसेस के बगैर कोई एक्शन नहीं लेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान है, तो वहाँ कश्मीर जो मूल निवासी है उनके लिए एक अलग एरिया रखा जाए, जो पनून कश्मीर ने उसके लिए प्रपोजल भी रखा हुआ है कितने पिछले 30-35 साल से। अब उसमें कितनी चीज़ें पॉसिबल हैं नहीं पॉसिबल हैं वो अनलेस डिस्कशन स्टार्ट्स, बट नथिंग मच हैज हैपेंड। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल हवाई बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बहुत ही भयानक स्थिति वहाँ पे है और बहुत ही कठिन स्थिति है, उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ही चाहिए। तो ये कैसे पैन आउट होगा, आई थिंक वो दैट फ्यूचर विल टेल। अभी तक तो उस पर कोई खास पहल कोई नहीं है गवर्नमेंट की ओर से। अगर सुनील जी कुछ और कहना चाहें तो, बिकॉज ही हैज मोर नॉलेज अबाउट। डॉक्टर साहब थैंक यू, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार 90 के दशक में हुआ, तब 1991 में 25 दिसंबर 1991 में कश्मीरी हिंदू ने जम्मू में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम रखा मार्गदर्शन। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अंदर सभी कश्मीरी हिंदू संगठनों ने ये सरकार से मांग की कि उस परिस्थिति में हम कश्मीर में वापस नहीं रह सकते जहाँ पर उनके पूर्वज और जहाँ तक वो लोग रह रहे थे। अब हमें नॉर्थ ईस्ट ऑफ रिवर जहलम, जो वितिस्ता है, वितिस्ता नदी के नॉर्थ ईस्ट कोन में, यानी अनंतनाग जिला और अमरनाथ जी के साथ जो जुड़ा हुआ जिला है पहलगाम तक का, ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली दिए जाए जहां कश्मीरी हिंदुओं को स्थापित किया जाए। आज की परिस्थिति में क्या है कि कोई गांव है वहां दो हिंदू परिवार है, किसी गांव में एक हिंदू परिवार है, वो बेचारा बेटी माताओं बुजुर्गों के साथ रह रहा है, और वो बेचारा एक दिमी एक बेचारा एक बेबस की जिंदगी जी रहा है कि कब उसको मारा जाए। अभी आपने 4 दिन पहले पूर्ण कृष्ण भट्ट, जो 32 सालों से कश्मीर में ही रह रहा था, उसके घर पे दरवाजे पे उसको मारा। 2 महीने पहले एक सुशील भट्ट थे, उनको उन्हीं के घर के बाहर मार दिया अपने बगीचे में। 4 महीने पहले राहुल भट्ट करके एक सरकारी कर्मचारी थे, उनको तहसील ऑफिस में ही आइडेंटिफाई करके उसी की सीट पे उसको गोली मार दी गई। तो कश्मीरी हिंदुओं का ये मानना है कि आज की परिस्थिति में कश्मीर सेफ नहीं है उनके साथ रह के मिल के रहने का, इसीलिए हमें एक दो डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली अलग से दिए जाए, जिसे कंप्लीट यूनियन टेरिटरी दी जाए, जहाँ इंडिया का संविधान प्रॉपरली लागू रहे, हिंदुस्तान की सरकार उसको चलाए, और उसी टेरिटोरियल जोन में हम सभी हिंदुओं को 7 लाख हिंदुओं को स्थापित किया जाए। डॉक्टर साहब वैसे मेरा एक सुझाव रहेगा, सुझाव तो नहीं क्योंकि अभी आधी पक्की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कश्मीरियों को जूझ से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और अगर हम कभी इस विषय पे चर्चा कर पाए कि होमलैंड जो है कश्मीरी होमलैंड जो है उसको हमें ज्यूज के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें देख करके उस दृष्टि से जो है
हमें उस होमलैंड को डिफाइन करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए और अपने आप को एग्रेसिवली एसर्ट करना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे कभी हमें खुली चर्चा रखें। बिल्कुल बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम ज्यूज, ठीक है ना, इसराइल, अदरवाइज इसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई समाधान हो पाएगा, क्योंकि संविधान से अपेक्षाएं तो चलो जो भी है उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर ललित जी को, जो कि इतिहास विभाग से हैं और इसके कन्वीनर हैं, कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद हम सभी जो है इस वेबिनार को पूर्ण करेंगे। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने, जब आप अपनी बुक के बारे में बता रहे तो ऐसा लगा जैसे पूरी फिल्म कश्मीर की आंखों के सामने चल रही है। और ये सच्चाई है कि आज के समय में भी कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न अंग है, जहां आज भी ऐसी गतिविधियां देखने के लिए मिलती हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि जो लोग कश्मीर छोड़कर, अपने घर को छोड़कर भारत के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, है ना, तो उनके लिए बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है हम सबके लिए ये। और सर ने बिल्कुल सही कहा, राहुल सर ने, कि जो हमारी देश की गवर्नमेंट है वो कभी भी ध्यान इन तरफ अच्छे से नहीं देती। और अगर गवर्नमेंट के पास बहुत सी पावर होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा नहीं है कि वापिस से कश्मीर नहीं बस सकता, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, अगर गवर्नमेंट चाहे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं, क्योंकि अगर वो लोग देश के बारे में सोचेंगे ना तो उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, मैं ऐसा समझता हूँ। और सुनील जी ने भी बड़ी अच्छी बातें हमें यहाँ बताई जो नॉलेजेबल थी हम सबके लिए। और आशुतोष सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कश्मीर के ऊपर आप एक और वेबिनार करवाओ, वेबिनार में तो बल्कि ये कहूंगा कि आप कॉलेज के अंदर एक सेमिनार कराओ। जी जी जरूर रखते हैं जी। थैंक यू राहुल जी, और आप सभी का जो इस वेबिनार में जुड़े और इतनी वैल्यूएबल चीजें, जो भारत का ही एक अभिन्न अंग है जिसके बारे में हमें कभी बहुत ही कम पढ़ा है हमने तो, है ना, या तो हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ने के लिए मिलता है क्या कि एक मांडा नाम की जगह है जो इंडस सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी थी, या हाँ बस यही, लेकिन हिस्ट्री के अंदर भी, हिस्ट्री के अंदर भी आशुतोष सर हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना थर्ड सेमेस्टर का 1526 टू 1857 तक का, इट मींस कि मुगल एम्पायर का सारा, मतलब हमारा देश का इतिहास है क्या ये नहीं बताया जाता। ये बताया जाता है कि साउथ इंडिया को जीतने के लिए औरंगजेब ने क्या क्या किया, मतलब हमारे जो राजा उनके साथ लड़े, महाराणा प्रताप जैसे, पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज जैसे, उनके बारे में नहीं बताया जाता। मैं इस बात को समझ नहीं पाता ऐसा है क्यों। जी जी चलो इस पे चर्चा करेंगे, और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि एक जो है ओपन हाउस मीटिंग जो है हिस्ट्री के सिलेबस पे करें जी, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से इसको करेंगे और देखते हैं जो आपने सुझाव दिए हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का हम ये वेबिनार जो है, अष्टो जी एक बस एक अनुरोध था कि जो भी सुझाव वगैरह आपके आते हैं ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को जरूर भेज दीजिए एक कॉपी, और पीएमओ को भी, क्योंकि हम आप इतनी गोष्ठियां करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ जो उनकी समरी है, जो उनकी उनका जिस्ट है, उसकी एक कॉपी ना भारत सरकार के सारे मतलब जो उनके डिपार्टमेंट्स है जिनके रिलेटेड है, उनको जरूर एक कॉपी भेज दीजिए करें। जी जी मैं भेज दूंगा, मैं आपसे पूछ के फिर मैं इसको कर दूंगा। जी ललित जी। सर मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि राहुल जी को एक बार आप अंबाला भी बुलाओ। ठीक है बिल्कुल बुला लेंगे, और साथ में सुनील जी को भी और भी लोगों को भी बुलाते हैं, ताकि एक आमने सामने बातचीत हो। बिल्कुल जी 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 जरूर, तो निश्चित रूप से मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनके साथ टाई अप करूंगा, और भी कश्मीर के जो लोग हैं, और हम कॉलेज की ओर से उनको सादर आमंत्रित करेंगे ताकि एक ओपन हाउस डिस्कशन हम कर सकें। जी तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार राहुल जी, थैंक यू सो मच, और इसी तरह से जुड़े रहें और कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि भारत का इतिहास बदलना बहुत जरूरी है। जो पढ़ाया गया है वो भारत का इतिहास नहीं, या तो वो मुसलमानों का है या ब्रिटिशर्स का है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हिंदुओं का इतिहास है कहाँ पे। थैंक यू सो मच,
चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप में से जिसने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिए, मैडम मीनाक्षी ने शेयर किया हुआ है तो उसको भर के आप लोग छोड़ सकते हैं। डॉक्टर अनुभा जी थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए, बहुत दिनों के बाद आपको देखा मैंने, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू कैन लीव द मीटिंग। विजय जी धन्यवाद, थैंक यू, कोमल जी थैंक यू सो मच, सुमित पॉल थैंक यू सो मच, प्लीज जिसने फॉर्म नहीं भरा प्लीज फॉर्म भर दीजिए एंड देन यू कैन लीव द मीटिंग।